न्यायपालिका में नियुक्तियों को लेकर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के बयान की बसपा सुप्रीमो ने कड़ी निंदा की है मंगलवार को जारी एक लिखित बयान में उन्होंने कहा कि सरकार का यह रवैया न्यायपालिका को बार बार अपमानित करने और नीचा दिखाने वाला है कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को जजों की नियुक्ति को लेकर जारी विवाद में कानून मंत्रालय की भूमिका पर कहा था कि यह महज पोस्ट ऑफिस नहीं है कानून मंत्री होने के नाते उन्हें नियुक्तियों में सुझाव देने का संवैधानिक अधिकार है ये पूरा विवाद कोलेजियम की सिफारिशों को सरकार द्वारा वापस भेजने पर शुरू हुआ था रविशंकर प्रसाद के बयान पर तीखी टिप्पणी करते हुए मायावती ने कहा कि अगर कानून मंत्रालय पोस्ट ऑफिस नहीं है तो उसे पुलिस थाना बनने का अधिकार भी नहीं है तो तो राज्यपाल राम नाइक ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा चार विक्रमादित्य मार्ग स्थित सरकारी बंगला छोड़ने से पहले उसमें की गई तोड़फोड़ को गंभीर मामला बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर मामले में कार्रवाई की मांग की है राज्यपाल ने इसे एक गंभीर मुद्दा बताते हुए खुद ही मामले का संज्ञान लिया और राज्य संपत्ति विभाग के अधिकारियों को बुलाकर जानकारी ली मुख्यमंत्री योगी को भेजे गए पत्र में उन्होंने लिखा कि ये एक नितांत अनुचित और गंभीर मामला है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को आवंटित किए गए शासकीय आवास राज्य संपत्ति के कोटे में आते हैं इनका निर्माण और रखरखाव सामान्य नागरिकों द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न प्रकार के करों से होता है उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में आंधी तूफान और आकाशीय बिजली गिरने से बीते 48 घंटों में 26 लोगों की मौत हो गई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि आंधी तूफान और आकाशीय बिजली गिरने से प्रदेश के ग्यारह प्रभावित जिलों में छब्बीस लोगों की और चार पशुओं की मौत हुई उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन अब राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंग के तौर पर काम करेगा इन संबंध में लाए गए प्रस्ताव को मंगलवार को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी गई इसके तहत बच्चों में कुपोषण और किशोरियों में अनीमिया की समस्या से निपटने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा इस मद में राज्य सरकार ने अस्सी करोड़ रुपए का प्रावधान किया है राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि पोषण अभियान के तहत शून्य से छः वर्ष तक के बच्चों में प्रतिवर्ष दो फीसदी की दर से बौनापन की समस्या कम करने का काम होगा इसी तरह से शून्य से छः वर्ष तक के बच्चों में कम वज़न की समस्या में दो फीसदी छः महीने से छः वर्ष तक के बच्चों में अनिमिया में तीन फीसदी और जन्म के समय कम वज़न की समस्या में दो प्रतिशत की दर से कमी लाने का फैसला किया गया है इसमें प्रशिक्षण और क्षमता वृद्धि कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन इनोवेशन परफॉर्मेंस इंसेंटिव और फ्लेक्सी कार्य शामिल है पुलिस कर्मियों की वैवाहिक स्थिति से संबंधित पुलिस नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है संशोधन के मुताबिक कोई पुरुष या महिला कर्मी जिसने किसी ऐसे व्यक्ति या महिला से विवाह किया है जिसका पहले से पति या पत्नी जीवित है तो ये सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा यानी अभ्यर्थी ऐसे किसी पुरुष अथवा महिला से विवाह नहीं कर सकता जिसका पहले ही विवाह हो चुका हो मैनपुरी से करीब 25 किलोमीटर दूर तीरथपुर गांव के पास बुधवार सुबह जयपुर से गुरसाईगंज फरूखाबाद जा रही स्लीपर कोच के पलटने से एक महिला समेत सत्रह लोगों की मौत हो गई इसमें पच्चीस लोग जख्मी हुए इनमें तीन की हालत नाजुक है इस हादसे में ड्राइवर ने अपने पैर खो दिए हैं। माना जा रहा है कि ड्राइवर की नींद लगने की वजह से यह हादसा हुआ बस पलटने के बाद करीब 50 मीटर तक फिसलती चली गई मैनपुरी के एसपी ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि मैनपुरी इटावा रोड पर जिले से करीब 25 किलोमीटर दूर तीरथपुर गांव के पास ये हादसा सुबह करीब साढ़े बजे हुआ मैनपुरी हादसे पर प्रधानमंत्री ने भी शोक जताया है यूपी बोर्ड के बच्चे सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों की बराबरी कर सकें इसके लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रम में भी बड़ा बदलाव किया गया बनारस में प्रेस वार्ता के दौरान डिप्टी सीएम और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बुधवार को कहा कि दो से ढाई महीने में होने वाली बोर्ड परीक्षाएं इस साल एक महीने में संचालित की गई पूरी शुचिता के साथ नकल विहीन परीक्षा कराने का रिकॉर्ड बनाया गया समय से परिणाम भी घोषित कर दिए गए अब अगला लक्ष्य यह है कि बोर्ड परीक्षाएं 20 दिनों में संचालित की जाएं। शिक्षा के उन्नयन के लिए आगामी 14 जुलाई को शिक्षाविदों और विशेषज्ञों के साथ बैठक होगी भाजपा उत्तर प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया को लेकर जबरदस्त तैयारी में जुटी है सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए पार्टी प्रदेश में दो लाख साइबर योद्धा तैनात करने जा रही है ये प्रशिक्षित सोशल मीडिया विशेषज्ञ अगले तीन माह में अपना दायित्व संभाल लेंगे हाल ही में संपन्न आईटी सेल यूपी की बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जेपीएस राठौर ने कहा कि इस साइबर सेना का गठन इस तरीके से किया जा रहा है कि हर मतदान केंद्र से जुड़े क्षेत्र में कम से कम एक साइबर योद्धा तैनात रहे पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रदेश के 22 और जिलों में पाइपलाइन से घरेलू गैस आपूर्ति की जाएगी अभी प्रदेश के 15 जिलों में अलग अलग स्थानों पर यह आपूर्ति की जा रही है पेट्रोलियम मंत्री सोमवार को नोवी सिटी गैस वितरण बोली प्रक्रिया के तहत आयोजित रोड शो के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश में घरेलू गैस के लिए ढांचा तैयार करने में सरकार दस करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है यूपी में 2000 किलोमीटर पाइपलाइन है इसे 3000 किलोमीटर किया जा रहा है